माननीय अध्यक्ष जी और मित्रों, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस नेशनल काउंसिल का डॉक्टर जोशी जी के मार्गदर्शन में जो प्रस्ताव बनाया है और यहां प्रस्तुत किया है, देश की आर्थिक स्थिति का बहुत उपयुक्त शब्दों में वो वर्णन करता है। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाते हम सब की अब जिम्मेवारी है कि इन विषयों को पूर्ण रूप से हम समझें। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा संबंधित विषयों पे तो चर्चा होती ही है, आर्थिक विषय भी अब राजनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। देश का भी चरित्र और जनसंख्या की दृष्टि से भी चरित्र बदल रहा है। एक नौजवान जनसंख्या है, सब लोग जल्दी में हैं और इसलिए आक्रोश भी उनमें खूब आता है। जो मध्यम वर्ग है उसकी संख्या भी बढ़ती है और उसके साथ साथ एक और वर्ग है जो शायद अभी गरीब मान सकते हैं, मध्यम वर्ग की श्रेणी में भी नहीं आता, लेकिन जिसके मन में भी बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, जिसको हम एस्पिरेशनल क्लास कहते हैं। और ये अब देश पिछड़ा रह जाए इसकी प्रतीक्षा करने की मूड में नहीं है और इसलिए देश कैसे प्रगति करे, और जिस विषय को डॉक्टर जोशी ने रखा कि विकास के साथ साथ वो न्याय संगत विकास हो, कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ हो चाहे केवल एक वर्ग विशेष को उसका लाभ ना हो पाए। कांग्रेस की तरफ से एक तर्क बार बार आता है और हमारे जो प्रवक्ता बहस में जाते हैं उनको सुनने को मिलता होगा कि यूपीए शासन में विकास दर पहले कुछ वर्षों में बढ़ी, जो आरंभिक विकास दर थी इस देश की स्वतंत्रता के बाद वो 2% 3% थी। पूरे विश्व की दुनिया, अन्य देश हम पर व्यंग करते थे, मजाक उड़ाते थे और अर्थव्यवस्था में एक शब्दावली का उन्होंने निर्माण किया जिसको कम से कम हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह उपयुक्त होगा कि 50 और 60 के दशक में जो 2% 2.5% की विकास दर थी, जिससे गरीबी दूर नहीं होती, वो कांग्रेस की नीतियों की दृष्टि से थी और वो नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ था, क्योंकि पंडित जी की आर्थिक नीतियों का वो असर था। उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पश्चिम के देश कहते थे व्यंग की दृष्टि से, और मैं उस शब्दावली को कभी स्वीकार नहीं करता। 1991 के बाद विकास दर बढ़ने लगी, हमें समझ लें कि एनडीए ने जब शासन छोड़ा तो यूपीए के हाथ में 8.4% ग्रोथ रेट इस देश की करकर शासन छोड़ा था। जो टेक ऑफ पॉइंट था यूपीए के लिए, विकास दर इस देश की 8.4% थी, जो उस वक्त की विकास दरों में बहुत मानी जाती थी। कीमतें नियंत्रण में थी, विदेशी पूंजी खूब थी और जो यूपीए के अर्थशास्त्रियों ने शासन में आने के बाद 2004 में पहला इकोनॉमिक सर्वे लाए तो एक रोबस्ट इकोनॉमी दी है,
उस अर्थव्यवस्था का वर्णन उन्होंने वो किया था। और जैसा लगता है कि यूपीए अब सत्ता छोड़ने वाली है, जो एक यूपीए कांग्रेस विरोधी माहौल इस देश में है, तो 8.4% ग्रोथ रेट इनहेरिट किया था और शायद 4-4.5% पे छोड़कर उसको जाएगी। ये तीसरा क्वार्टर है था जो इस वर्ष का, वो 4.3% था। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि केवल विकास से काम नहीं चलेगा, पर विकास का एक लाभ है, चाहे निवेश देश के भीतर से हो, निवेश बाहर से हो, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जिस सरकार की जेब में पैसा होता है, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं केवल वही सरकार कर सकती है। और बीच में भी जो विकास दर यूपीए के दौरान बढ़ी, उसकी आप कल्पना कर लीजिए उसका कारण क्या था। वो कोई एआईसीसी हेडक्वार्टर की विकास दर नहीं थी, पूरे देश की विकास दर थी। 10 साल तक गुजरात की विकास दस फीसदी रही, 1%, 1.5%, 2% कृषि की गुजरात की विकास दर 11 और 12% पे पहुंच गई। मध्य प्रदेश अपने आप में टर्न अराउंड स्टोरी है। जो बीमारू शब्द था कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य उसमें आएंगे, तो बीमारू में मध्य प्रदेश था। शायद मध्य प्रदेश उस बीमारू के अस्तित्व से बाहर निकल आया। 18% कृषि की विकास दर है, और अगर एक वर्ष में 18% बढ़ती है तो वहां के किसान को कितना लाभ होगा, इसकी कल्पना आप कर लें। जीडीपी की विकास दर भी 10-11%। सबसे खराब 15 साल तक प्रशासन बिहार का रहा, और आज देश छोटा है अर्थव्यवस्था का, 11.5-12% की विकास दर उस पिछड़े बिहार की भी है सुशील जी, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर 9% से ऊपर, 10% के नजदीक छत्तीसगढ़। बहस होगी बजट के ऊपर, तो वेंकैया जी एक बार आप ये एनडीए शासित प्रांतों की विकास दर को अलग कर दीजिए तो बाकी देश की विकास दर कितनी थी, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो कहानी बार बार यूपीए के लोग बढ़ाते हैं कि हमारे शासन में विकास दर थी, वो इन राज्यों की वजह से बढ़ी। यूरोजोन का क्राइसिस हो गया और यूरोजोन के संकट से दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ा। अटल जी की सरकार के जमाने में ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ। ईस्ट एशियन क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देश के भीतर आरंभ कर दिए। भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बहुत है। आपने जब डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की, ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये ठीक उस वक्त आरंभ हुआ जबकि पूरे इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक संकट फैला हुआ था। रोजगार के अवसर बन गए, इकोनॉमी ग्रो करने लग पड़ी और वापस रास्ते पर आ गई, और 8.4% ग्रोथ रेट पर अटल जी की सरकार ने उसको छोड़ दिया। मित्रों, आज जो सही संकट है देश का, 60% के करीब लोग, कुछ ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है, वो कृषि में है। और कृषि का जो योगदान है देश की आय को, जो जीडीपी को, वो 15-16% बचा है। तो 16% आमदनी इस देश की 60% लोगों में जाती है। तो स्वाभाविक है कि कृषि में जितने लोगों को काम करना चाहिए बहुत अधिक है उससे ज्यादा। और पूरे विश्व का यह अनुभव है कि कृषि में से लोग बाहर निकलते हैं,
उत्पादन क्षेत्र में जाते हैं, सेवाओं में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, माइनिंग में, रियल एस्टेट में, और तभी विकास बढ़ता है। अन्यथा जिस खेत के ऊपर दो लोगों को काम करना चाहिए वहां 16 लोग काम कर रहे हैं। अब इसलिए यह आवश्यक था, और डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं जब डॉक्टर साहब कह रहे थे आप उद्योग के भी खिलाफ हो, तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हो। आज इस देश के मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 1/4 मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में है। जो गुजरात की सफलता की कहानी है कि अगर कृषि बढ़ी तो उसके साथ जो उत्पादन था वो भी बढ़ता रहा। पूरे देश में उतनी बंदरगाहें नहीं जितनी अकेले गुजरात में है, 42, और उसको बढ़ाने के लिए कई चीजें चाहिए। और आज जो पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा है मैन्युफैक्चरिंग की, उसका एक सिद्धांत हम समझ लें कि दुनिया भर के जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो सेवाएं लेते हैं या वो सामान खरीदते हैं जो अच्छा हो और सस्ता हो। कोई जानबूझकर महंगा खरीदने जाएगा जब सस्ता उपलब्ध है, ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 20 वर्ष में पूरी दुनिया के व्यवसाय का एक चरित्र बदला है। ये जो लो कॉस्ट इकोनॉमीज हैं, कम दाम पर पैदावार करने वाले देश हैं, आज उनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। और इसलिए भारत में हम केवल कह दें कि हमने सेक्टोरल कैप बढ़ा दी, विदेशी पूंजी ले आए, अब विदेशी पूंजी की अनुमति दे दी, उससे कोई विदेशी पूंजी आ जाएगी ये नहीं होगा। वो लोग निवेश करेंगे जिनको लगता है कि आपके देश में निवेश करने से मेरा सामान ऐसा होगा जो दुनिया भर में बिकेगा। और नहीं हुआ तो मौजूदा स्थिति, 2 साल पहले इन्हीं दिनों बजट की बहस में मैंने संसद में कहा कि क्या कल्पना है सरकार को कि बाहर से तो लोग आ नहीं रहे, अपने उद्योगपति अपनी पूंजी उठाकर बाहर ले जा रहे हैं, कि इंडिया इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। सरकार को तब तक ये कल्पना नहीं थी। और इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उत्पादन क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको 100 मिलियन 10 करोड़ रोजगार खड़े करने हैं तो आपको उत्पादन क्षेत्र के जो रिफॉर्म्स है, सुधार है, वो करने पड़ेंगे। वो सुधार करने हैं तो बिजली सस्ते दाम पर उनको मिलनी पड़ेगी, ब्याज दर सस्ते दाम पर उनको मिलना पड़ेगा, जो ट्रेड फैसिलिटेशन कहते हैं व्यवसाय करने की सुविधा है वो अच्छी होनी होगी। जहां व्यवसाय की सुविधा नहीं है वहां कोई आता नहीं है। आपके पोर्ट्स, आपकी बंदरगाहें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हाईवेज, आप कल्पना कीजिए कि सरकार ने किया क्या है। टेलीकॉम एक सफलता की कहानी थी, एक सक्सेस स्टोरी थी। जिस दिन से 2G के घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, एक सक्सेस स्टोरी चिंता का विषय बन गई। और जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रही टेलीकॉम इकोनॉमी थी, आज कोई स्पेक्ट्रम खरीदने को तैयार नहीं है। टेलीकॉम मिनिस्टर कहते हैं कि आप स्कैम्स की बात क्यों करते हो। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में आप स्कैम करोगे तो उसका जिक्र होगा। हाईवे एक सक्सेस स्टोरी थे। आज सुबह कोई कह रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट का बजट कम कर दिया गया है। आप ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट का जो बजट है, जिसको ये गेम चेंजर की परिणाम बदल देगा, खेल का नतीजा बदल देगा, आप आंकड़े तो देखिए। मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपया साल का देते थे, पिछले साल उसको 33 कर दिया, 33 में से खर्च हुआ 29, इस बार फिर 33 देंगे, खर्च होगा 25। और जो 29 खर्च हुआ, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि उसमें से कितना चोरी हुआ और कितना खर्च हुआ। और पूरा आपने
उस योजना में से जिनको पैसा मिलना था उनको पैसा मिला नहीं, और पूरी योजना ये रह गई कि एक दिन गड्ढा खोदिए, दूसरे दिन गड्ढा भरिए और कहिए कि हमने रोजगार खड़ा कर दिया। अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश, अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीदारी में तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जिसको कांग्रेस ने कहा कि ये गेम चेंजर होगा, खेल के नियम बदल देगा, 26 योजनाएं हैं जिसमें आज भी लोगों को कहीं वजीफा मिलता है, कहीं वृद्ध आयु की पेंशन मिलती है, चेक से मिलती है। केवल योजना यह है आज चेक से मिलने के बजाय आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बजट में चिदंबरम साहब ने क्या कहा कि आई हैव ऑलरेडी सीन स्माइल्स ऑन मिलियंस ऑफ फेसेस। अब ये मिलियंस ऑफ फेसेस का मैंने आंकड़ा पता किया कि अभी तक कितनों को मिला है, तो टोटल मिलाकर अभी तक 5,38,00,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 120 करोड़ के देश में। और ये टोटल 26 योजनाएं जो हैं डायरेक्ट ट्रांसफर की, पिछले साल इसमें 5,595 करोड़ रखे थे, खर्च किए 4,900, आने वाले वर्ष में दिया है 5,600। आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र किया, मनरेगा तो 40 से होते होते 29 और अब 25 तक पहुंच जाएगा, उसमें भी आधा चोरी होगा। सुशील जी कह रहे थे कि उसका पैसा काट दिया, सुशील जी 13,000 की गलतफहमी में मत रहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,000 करोड़ दिया था, इस साल खर्च हुआ 8,000, सिर्फ 8,000, 40%। और उसके पीछे कारण सुन लीजिए कि जो पैसा बर्बाद किया यूपीए ने, और यूपीए का सबसे बड़ा अपराध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में था कि ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात सुनते रहे, और उसका असर ये हुआ कि जब ये 10वां वर्ष आया तो चुनाव के वर्ष में तो लोग लोकप्रियता के कार्यक्रम रहते हैं, अगर जेब कंगाल हो, पैसा ना हो तो लोकप्रियता कहां से करेंगे, सिर्फ दुनिया का उधार देना था। तो इस बार का बजट ये था कि जो आपने कहा कि 93,000 करोड़ रुपया काट दिया, 60,000 सरकार का अगले वर्ष के लिए काट दिया, आपने ग्रामीण सड़क योजना 21,000 की बजाय 8,000 खर्चा, अगले साल के लिए 13,000-14,000 करोड़ दिया, वो भी खर्च नहीं पाएंगे, पैसा होगा नहीं। पैसा इसलिए नहीं होगा कि आपने नए टैक्स लगाए हैं केवल 17,000 करोड़ के, एक वो 1 करोड़ वालों पे लगा दिया और कुछ विषय की एक्साइज बढ़ा दी, 17,000 करोड़ के टैक्स दिखाए हैं, और जो एलोकेशन दिखा दी वो 2,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया। ये 2,00,000 करोड़ का खर्चा 17,000 के टैक्सेस में से कहां से आएगा? तो स्वाभाविक है, आपने लिख दिया इतने टैक्सेस हैं, इतना खर्चा करेंगे, किसी को पैसा, आपको 60,000 तो छोड़िए, आपको बहुत कम पैसा मिलने वाला है इस बार। अब नया गेम चेंजर है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट हम 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे, तो लोगों ने कहा 10,000 में क्या काम चलेगा, 10 नहीं देंगे, केवल 5,000 प्रोवाइडेड है। पिछले साल 75,000 था फूड सिक्योरिटी का, ये अंत्योदय योजना के लिए 75 की बजाय 85 खर्च हुआ, इस बार कह दिया 85 की बजाय 80 खर्च होगा और 10,000 और दे देंगे। और पूरी खाद्य सुरक्षा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट यह लाइन देनी चाहिए कि जो खाद्यान्न का अधिकार है, अगर यह 5,000 करोड़ वाला राइट टू फूड है तो इसको हम अस्वीकार करते हैं, और छत्तीसगढ़ की जो योजना है डॉक्टर रमन सिंह की, पूरे देश भर में उसको लागू कीजिए। सही मायने में खाद्यान्न की जो योजना है वो उस कानून के तहत होगी। आगे रास्ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना पड़ेगा कि एक कंगाल अर्थव्यवस्था छोड़कर ये यूपीए के लोग जाने वाले हैं। ये 5.2% जो फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं लाने की कोशिश की, ये केवल इसलिए कि 2 की बजाय 1 बार खाना खा लो तो जो बाहर का उधार है तब दे देंगे, ये देश का हाल किया है।
93,000 करोड़ का खर्चा काट दो, मनरेगा का पैसा काट दो, सड़क योजना का काट दो, नेशनल हाईवे प्रोग्राम, मुझे याद है कमलनाथ जी कहते थे आपके समय 7 किलोमीटर रोज बनता था, मैं 20 किलोमीटर बनाऊंगा, पिछले साल में केवल 600 किलोमीटर बना, 2 किलोमीटर से भी कम। आपने माइनिंग से, ये आपका पावर सेक्टर है, जो एनडीए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाई थी और उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत एकदम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स देश में आरंभ हुए, कोयले की खदानों की बेईमानी से आपने पूरा पावर सेक्टर बर्बाद कर दिया। आज पावर सेक्टर की कंपनियां कंगाली पर खड़ी हैं और लोग मानते हैं कि पावर सेक्टर इस देश का सबसे पहला सब प्राइम होगा, जबकि बिजली कंपनियों के पास बैंकों का पैसा वापस करने का भी पैसा नहीं बचेगा। इस परिस्थिति में ये छोड़ के जा रहे हैं और इसलिए हमें 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, और हमें स्पष्ट कहना चाहिए कि आज 7 लाख करोड़ के निवेश हैं जो केवल वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के झगड़े की वजह से रुके पड़े हैं, जो इनका इंटरनल स्टेलमेट है। 7 लाख करोड़ की योजनाएं उससे रुकी हुई हैं। कौन निवेश करेगा आके इस देश के अंदर कि अगर 7 लाख करोड़ लगाना चाहते हो और आपके यहां कोई निवेश नहीं हो सकता, टैक्स पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। आज मैं सुबह सैर कर रहा था, मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा मैं उन लोगों में से हूं जिसपे ये 10% सरचार्ज लगा है, मुझे देने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ये कांग्रेसी इसमें से कमीशन खाए मैं उसके लिए देने को तैयार नहीं। ये भावना सरकार के प्रति अविश्वास की भावना लोगों में आ जाए, ये परिस्थिति अब है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे रुके पड़े हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर 60% क्यों कृषि पे लोग शहर छोड़कर गांव वापस जाएंगे कि गांव के घर में रहेंगे, वहीं से कुछ अनाज मिल जाएगा। इस परिस्थिति में लाकर इन्होंने खड़ा किया है और इसलिए हमें कई बार जब बीजेपी और एनडीए का हम लोग अपना एजेंडा या मैनिफेस्टो बनाएंगे तो कई ऐसी कल्पनाएं, मैनुअल स्कैवेंजिंग, सैनिटेशन, पूर्व उत्तर के बहुत साथी आए हैं नॉर्थ ईस्ट के, जब नेशनल हाईवे प्रोग्राम बना तो अटल जी ने जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था गुवाहाटी से होता हुआ सिलचर तक उसको एक्सटेंड कर दिया, सारे देश में बन गया, लेकिन पूर्व उत्तर की महासड़क अभी तक नहीं बनी। अब मनरेगा का 1 साल का पैसा पूरे पूर्व उत्तर के अंदर रोड नेटवर्क बन सकता है। कुछ कल्पनाएं हम लोगों को करनी पड़ेगी और इसके लिए इस प्रस्ताव में इस सरकार की विफलता, गरीबी उन्मूलन के लिए जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है उसके ऊपर काफी टिप्पणी की गई है। मैं बहुत अधिक समय ना लेता हुआ केवल आप सब से इतना ही आग्रह करूंगा कि आगे की राजनीति में आर्थिक विषयों का महत्व रहने वाला है, हम भी इसकी महत्व को समझें, इस बहस के मुद्दों को समझें और यूपीए को अगर कटघरे में खड़ा करने का सबसे पहला अवसर हमें मिलेगा तो इन विषयों पर मिलेगा। इनके भ्रष्टाचार ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि कोई बाहर से आकर निवेश करना नहीं चाहता, जो देश का व्यक्ति निवेश करना चाहता है वो भी वापस करना चाहता है। देयर इज अ कंप्लीट नो कॉन्फिडेंस इन द यूपीए ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी और इसलिए इस प्रस्ताव में ये सारे विषय हम लोग इसको समझ लें और सबसे पहले सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को हम लोग पारित कर दें। आप सबका बहुत बहुत